आंवला में प्रत्याशियों का शाब्दिक घमासान। एक ने कहा दूसरे को पंचर लगाने वाला, तो दूसरे ने कहा तुम रिजेक्टेड पीस हो। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों का वाक युद्ध। ये देखिए आंवला में क्या हो रहा है। यहाँ चल रही है जुबानी जंग, जिसमें बातें कम और छींटाकशी ज्यादा है। बरेली के आंवला भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप और पूर्व सांसद व कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर सर्वराज सिंह एक दूसरे पर शब्दों के तीर छोड़ रहे हैं। कोई किसी को पंचर लगाने वाला बोल रहा है तो दूसरा कह रहा है कि उनकी तो हमने नसबंदी ही कर दी। ये बात सही है कि धर्मेंद्र ने बहुत विकास किया, विकास पुरुष है, मगर अपने परिवार की कोठी बहुत बड़ी बनवाई है, कई एकड़ बनवाई है, बड़े बड़े हॉल बनवाए इसी के, जो कभी पंचर जोड़ते थे वो 200-200 करोड़ की आती हैं। तो भाई ये तो अगर विकास को अगर यही विकास कहते हो तो बहुत बड़ा विकास है, तो हम बिल्कुल नहीं लाए। सर्वराज सिंह ने जब भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप को पंचर लगाने वाला कहा तो फिर पलटवार तो होना था। धर्मेंद्र तो और भी आगे निकल गए और कह दिया कि ऐसा कर दिया है कि सर्वराज के खानदान में कोई नेता ही पैदा नहीं होगा। आंवला का चुनाव अब की बार जिस तरीके से आप देखें कि लंबा इतिहास आंवला का रहा है और जो लंबे समय तक यहाँ राजनीति करते थे उनका जनता से कोई जुड़ाव नहीं था। पहले लोगों को इकट्ठा करके भर करके लाया जाता था और उनके वोट ले लिए जाते थे, लेकिन अब आंवला की जनता समझदार हो गई है। जो अपने आप को आंवला की जनता को गुलाम समझते थे उनको तो हमने चैलेंज कर दिया, उनकी नसबंदी कर दी। अब तुम्हारे खानदान में कोई नेता पैदा नहीं होगा। मैं जमींदार तो नहीं लेकिन जमीन का आदमी जरूर। रिजेक्टेड पीस, रिजेक्ट आउट ऑफ डेट। रिजेक्टेड पीस के बारे में कुछ कहना नहीं है, वो तो बस अब एड़ियाँ वगैरह लोगों के लिए, कोई जनता उनके उनके बातों में जा से आने। धर्मेंद्र कश्यप से जब गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा के बाबत पूछा गया कि वो चुनाव पर कितना असर डालेंगी, तो धर्मेंद्र ने चुटकी लेते हुए बड़े ही मजाकिया लहजे में इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनमें रुचि नहीं है लोगों की आंवला के, गठबंधन के प्रत्याशी में कोई रुचि नहीं है आंवला के लोगों की। दुकानों वोट मांग रहे हैं। जब लोकसभा का प्रत्याशी अगर दुकानों वोट मांगेगा तो वो कैसे चुनाव लड़ेगा, मेरी समझ में नहीं। जब तक वो क्षेत्र को समझने का काम करेंगे तब तक तो चुनाव हो जाएगा। ये चुनाव जीतने की ललक नेताओं को इतना क्यों गिरा देती है कि वो एक दूसरे का सम्मान तक भूल जाते हैं। कुछ तो लिहाज रखो, अगर कभी मिलो तो कम से कम शर्म तो ना आए।